जिंदगी ये जिंदगी असल में एक जंग है ये जिंदगी असल में एक जंग है ये जिंदगी जंग है जुल्म के खिलाफ कहीं जंग कर रहे हम जंग कर रहे हम जुल्म के खिलाफ कहीं जंग लड़ रहे हैं हम जंग लड़ रहे हैं हम है समाज दुश्मनों से बरसर पैकार हम और वतन दुश्मनों पे कर रहे यलकार हम हाँ ये जिंदगी असल में एक जंग है ये जिंदगी असल में एक जंग है मैंने ही आपको फोन किया था इन्होंने बेहोश होने से पहले आपका नाम और टेलीफोन नंबर मुझे दिया था ये एक्सीडेंट कैसे हुआ कुछ लोग उठा के लाए थे और वो कह रहे थे कि किसी जीप ने इनको लॉकडाउन किया है कुछ कहा इन्होंने हाँ कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि किसने और क्यों ऐसा किया जो दिया था उसकी डेट मैंने चेक किसी एक्सपायर नहीं हुआ था हम मजल से लड़ रहे नफरतों से भिड़ रहे हम मजल से लड़ रहे नफरतों से भिड़ रहे हक की रोशनी लिए जुल्मतों से लड़ रहे I'm sorry. जुल्मतों जीत जिंदगी के अंग संग है सच्चा जर्नलिस्ट वही होता है जो लोगों की भलाई के लिए अपने कलम को जज्बात और मजबूरियों का गुलाम न बनने दे ये पेशा बड़ा मुकद्दस पेशा है यास्मीन और मैं इसके तकद्दस को पामाल नहीं होने दूंगा एक जंग है एक जंग जैसे हुआ है ना मैं तुम्हें वो सब बताती और ना तुम ये पेशा बड़ा मुकद्दस पेशा है यास्मीन और मैं इसके तकद्दस को पामाल नहीं होने दूंगा अनवर मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर हजारों लाखों नौजवानों को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता यास्मीन हेलो हाँ बोल रही हो
रिपोर्ट आ गई? क्या लिखा है उसमें? फोन पर नहीं बता सकते? तो ठीक है, आप घर आ जाइए। थैंक यू। रिपोर्ट पढ़ चुकी हैं आप मिस यास्मीन? जी। लेबोरेटरी की रिपोर्ट मिलने के बाद हमें सबसे पहले इस मामले की इत्तला पुलिस को देनी चाहिए थी। चूंकि आप खुद इसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाने आई, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। जी। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस कंपनी ने ये इंजेक्शन बनाए हैं वो कंपनी आपके वालिद साहब की है। ये लाइफ सेविंग ड्रग बेशक बहुत कीमती है मिस यास्मीन, मगर एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। इंजेक्शन तो इसको जो दिया था उसकी डेट मैंने चेक की थी, एक्सपायर नहीं हुआ था। मिस यास्मीन। हाँ, आप कुछ कह रहे थे मिस्टर जफर? मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले को आप पुलिस तक ले जाएंगी या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? ये रिपोर्ट पुलिस तक जरूर पहुंचेगी मिस्टर जफर, और ये काम मैं खुद करूंगी। विल यू मिस यास्मीन? आप कल सुबह के अखबारात में इस खबर को पढ़ लीजिएगा। काश सभी लोग आपकी तरफ बहादुर और अपने जमीर की आवाज सुनने वाले हो। मैं सलाम करता हूं तुम्हें। I salute you, Miss Yasmin. Hello. हाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो चक्रवर्ती। नहीं भाई नहीं, ऊपर कहा ना तुम्हें। सुनो, जब तक मैं तुम्हें यहां से फोन ना करूं तब तक वो माल तैयार नहीं होगा। दैट्स ऑल। ओके, इट्स क्लियर? क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? ये क्या बदतमीजी है? तुम कातिल हो रहमान दुरानी, तुम कातिल हो। पक रही हो तुम? होश में तो हो? होश तो मुझे अब आया है रहमान दुरानी, मगर अपना सब कुछ लुटाकर होश में आई हूं मैं। मैं नहीं जानती कि अनवर के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। अनवर के एक्सीडेंट का मुझसे क्या ताल्लुक? कि तुमने ही मुझसे कहा था ना रहमान दुरानी, कि जिंदगी की बिसात पर चलने वाली चालू को मैं नहीं समझती। ठीक ही कहा था तुमने, मैं तुम्हारी चालू को नहीं समझ पाई, क्योंकि तुम मेरे बाप थे और मैंने तुम पर भरोसा किया था। क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये इंजेक्शंस और इसका ये पैकेट देख रहे हो रहमान दुरानी, जिंदगी बचाने वाली ये दवा तुम्हारी ही कंपनी की है, और इंजेक्शंस की ये लेबोरेटरी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि तुम कातिल हो रहमान दुरानी, तुम कातिल हो। यास्मीन,
से, तुम्हारी वजह से मेरी सबसे प्यारी चीज छिन गई मुझसे। वो शख्स जिसे मैं रूह की गहराइयों से प्यार करती थी, वो शख्स जो तुम्हारी इकलौती बेटी का शोहर बनने वाला था, उसी के कातिल बन गए तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रहमान दुरानी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, जैसे दरिंदों को बेनकाब करना, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे कर रही हूँ रहमान दुरानी, तुमसे। लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट लेकर जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। सुनो तो बेटी, मत कहो मुझे अपनी बेटी। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। नशा और दुआओं का कारोबार कर रहा है।
उसकी बेटी ने पुलिस को इतला दी। कमाल है यार, मैं भी सोच रहा था कि इतना पैसा कहां से आ गया इसके पास। 30-35 साल पहले तो छोटा सा बिजनेस था उसका। नहीं नहीं, मैं उसके जनाजे के साथ नहीं जाऊंगा। अरे कम अकल, अब तक तो पूरे शहर में यह अफवाह फैल चुकी होगी कि रहमान कौन सा कारोबार कर रहा है। उसके जनाजे में जाना भाई से बदनामी होगी। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। जगह की दूरी ने हमारे प्यार में भी दूरी पैदा कर दी है, मगर ऐसा नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद इन 3 वर्षों में यहाँ के हालात कुछ अजीब से हो गए हैं। नौजवानों की जिंदगी से खेला जा रहा है, और उसका एहसास हमें उस वक्त हुआ जब मेरा छोटा भाई संजय भी उस आग की लपेट में आ गया। पता नहीं कब और कैसे वो नशावर दवाओं का आदि बन गया। तुम तो जानती हो संजय मेरा इकलौता भाई है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मम्मी पापा तो जैसे जीते जी मर जाते। हम लोगों के पास 4 पैसे हैं, इसलिए पापा संजय को इलाज के लिए बाहर ले गए हैं। मगर वो नौजवान लड़के जिनके वालदेन उन्हें बाहर नहीं ले जा सकते, वो इन नशीली दवाओं के वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। यास्मीन, नेशनल टाइम्स में तुम्हारे न्यूज स्टोरीज और आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ। ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो जंग तुमने शुरू कर रखी है, उसके लिए मुझे तुम पर फख्र है। लेकिन मेरी जान, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। मुझे लगता है तुम्हारी इस धरती पर इस वक्त एक रहमान दुरानी नहीं बल्कि बहुत से रहमान दुरानी हैं, जो इसके नाम में खतरनाक और इंसानियत सोच कारोबार को चला रहे हैं। मगर आज यह कोई अनवर नहीं है जिन भेड़ियों के खिलाफ आवाज उठाए। मैं अपनी राम कहानी लेकर बैठ गई। तुम कैसी हो? तुमसे मिलने को बड़ा जी करता है। तुमने तो अपनी जन्मभूमि के साथ जैसे नाता ही तोड़ लिया है। कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। तुम्हारी प्यारी सहेली रीता। मैं जर्नलिस्ट हूँ यास्मीन, और जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं इस घिनौने और खतरनाक कारोबार की तफसील मजरे आप तक ले आऊं। नहीं अनुर, नहीं। आसान कर दी है यास्मीन। तुम अपने होम टाउन में जाकर काम करना चाहती हो, और मिस्टर मटियानी जो पहले से ही वहां काम कर रहे हैं वो लखनऊ जाना चाहते हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि मिस्टर मटियानी की जगह किसको वहां भेजा जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। एक जर्नलिस्ट में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब तुमने मौजूद है। अगर फिर भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम डायरेक्ट मुझसे फोन से बात कर सकती हो। मैं आपके हिदमत को हमेशा कायम रखूंगी सर।
कब जाना चाहती हूँ? जब आप मुनासिब समझे। आफ्टर वन वीक? दैट सूट्स मी। मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट को भी तुम्हारी पोस्टिंग की इतला कर दी जाएगी। ओके, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।